आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, डाउटनेट में आपका स्वागत है। सो इन दिस क्वेश्चन से दैट असर्शन ए, इफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज इज डबल्ड, द फोर्स रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल फोर्स, एंड रीजन आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज डोनेटेड एफ, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, वेयर एम वन इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड एम टू इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन मास एम वन एंड एम टू। ओके, सो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ कॉन्स्टेंट डिफाइन किया गया है। सो एफ दिस इज इक्वल जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ओके, सो अब हम देखते हैं असर्शन ए, इफ द मास ऑफ टू बॉडीज इज डबल्ड। ओके, हमें कहा गया है जो मासेज एम वन एंड एम टू है वो डबल कर दिए गए हैं। दैट मीन्स एम वन डैश इज इक्वल टू टू एम वन एंड एम टू डैश इज इक्वल टू टू एम टू। ओके, देन द फोर्स रिड्यूसेज टू 1/4 ऑफ इनिशियल फोर्स। जो हमारा इनिशियल फोर्स एफ है, एफ इज इक्वल सी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सो जो हमारा न्यू फोर्स होगा एफ डैश वो 1/4 टाइम ऑफ एफ होगा। सो हमें ये असर्शन के अंदर बता रखा है, बट हम अब देखते हैं कि रियलिटी क्या है। सो एफ डैश दिस इज इक्वल जी एम वन की जगह रखना होगा हमें एम डैश। ओके, सो एम डैश दिस इज इक्वल टू एम वन एंड एम टू डैश उसकी जगह हमें रखना है टू एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एफ डैश दिस इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू अपने पास है एफ। सो एफ डैश दिस इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ एफ। सो असर्शन ए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये 1/4 टाइम हो जाता है इनिशियल फोर्स का, बट ये 4 टाइम हो रहा है इनिशियल फोर्स का। अब हम रीजन आर को चेक करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम वन एम टू के, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारा ए इज इनकरेक्ट बट सॉरी आर इज करेक्ट। ओके, सो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। सो इसके व्याप पर हम कहते हैं कि ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।